आईपीएल के इस 16वें सीजन में यंग प्लेयर रिंकू सिंह, साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल ने बेहतरीन प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में अजिंक्य रहाणे को शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखकर हर कोई हैरान है। किसी ने कभी रहाणे को इस तरह बल्लेबाजी करते नहीं देखा है। कोलकाता नाइट राइडर्स को उसके होम ग्राउंड में रहाणे ने मात्र 29 गेंदों पर 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 71 रनों की पारी खेली। लगातार विस्फोटक पारी खेलने पर क्रिकेट जगत में ये चर्चा होने लगी है कि अक्सर रन अ बॉल खेलने वाले रहाणे की बैटिंग धोनी की कैप्टेंसी में इतनी बदल कैसे गई। नमस्ते, मैं शिवम हूँ और आप हैं मंच पर। अजिंक्य रहाणे को धीमी बल्लेबाजी की वजह से भारत की वनडे और T20 टीम से बहुत पहले ही बाहर कर दिया गया था। रहाणे पिछले साल तक भारत की टेस्ट टीम में खेल रहे थे, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से उन्हें वहां से भी ड्रॉप कर दिया गया। अगर बात करें आईपीएल की, तो एक समय कई टीमों के लिए कप्तानी कर चुके रहाणे को 2020 और 2021 के सीजन में धीमी बल्लेबाजी के कारण आईपीएल 2023 के ऑक्शन में 50 लाख बेस प्राइस में भी कोई फ्रेंचाइजी अपने साथ जोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उन पर विश्वास जताकर अपने साथ जोड़ा। रहाणे ने इस सीजन में 5 पारियों में 52 की औसत और 199 के स्ट्राइक रेट से 209 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं कोलकाता के खिलाफ इस दमदार पारी के लिए रहाणे को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। चेन्नई की जीत पर रहाणे ने कप्तान धोनी की तारीफ में कहा, अभी तक मैंने अपनी सभी पारियों का आनंद उठाया है। मुझे अभी भी लगता है कि सबसे अच्छी पारी आना बाकी है। मैं माही की कप्तानी में भारतीय टीम के लिए कई साल खेल चुका हूं। अब CSK के लिए खेलने में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो अच्छा खेलेंगे ही। रहाणे इससे पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी धुआंधार पारी खेल चुके हैं। मात्र 19 गेंदों पर रहाणे ने शानदार अर्धशतक जड़ा था। लगातार शानदार प्रदर्शन करने पर फैंस सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। क्रिकेट जगत में ये भी कयास लग रहे हैं कि अगर रहाणे ने इसी तरह परफॉर्मेंस बरकरार रखा तो जल्द ही एक बार फिर भारतीय जर्सी में वो दिखेंगे। आपको रहाणे का ये नया कलेवर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।